फ्रेंड्स, आपने HIV पॉजिटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी की फर्स्ट वीडियो को बहुत पसंद किया और हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों ने कॉल किया। तो सबसे पहले तो उन सभी लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को बहुत पसंद किया और ऑफिस में कॉल करके थैंक्स किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है, मतलब आज का जो पार्ट है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिजनेस स्ट्रेटेजी में मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, जिसकी वजह से एच स्टैंड्स फॉर हाई नंबर ऑफ लीड जनरेट होती हैं, जिसको आप ज़रूर फॉलो करना। क्योंकि वैसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी, पर मैं आपको टेस्टेड एंड अप्रूव्ड स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जिसको हम हमारी कंपनी में इंप्लीमेंट करते हैं। अब मॉडर्न मेथड में सबसे पहला जो मेथड है वो है आपकी डिजिटल प्रेजेंस, मतलब किस तरह से आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ाते हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज की वेबसाइट। इसके अलावा लिस्ट करें अपनी कंपनी को B2B, B2C, B2G साइट्स में। हाँ, यहाँ मैं बता देता हूँ, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस विद क्लाइंट, एंड B2G बिजनेस विद गवर्नमेंट। ध्यान रखिए, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, सरकार भी वो चीज़ें खरीदती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में उस तरह के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इन सभी साइट्स पर आप फ्री लिस्टिंग ज़रूर करें और इन साइट्स से बहुत सारे बायर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे। जब वो साइट्स कौन सी हैं, जैसे इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्टर इंडिया है, अलीबाबा है, और अगर हम B2C साइट्स की बात करें, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, स्नैपक्लूज है, ये मिंत्रा है, ऐसी वो साइट्स हैं जहां पर हम बहुत सारी लीड अपने प्रोडक्ट के लिए जनरेट कर सकते हैं। या जैसे फूड डिलीवरी प्रोडक्ट में आप काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, तो वहां पर जोमेटो है, स्विगी है, फूड पांडा है, ये ऐसी वो वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप अच्छा बिजनेस या अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस। फ्रेंड्स, आज ना सोशल मीडिया का ज़माना है, हर वो चीज़ आप जो बेचते हैं वो सोशल मीडिया पर पहले से उपलब्ध है। इसका मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे इमेजेस और ग्राफिक्स के साथ, अच्छे वीडियोस के साथ अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपनी कंपनी, अपने ब्रांड को कंज्यूमर के पास लेकर जाएं। और वो तरीका क्या है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस। और सोशल मीडिया में क्या होता है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप अपनी प्रेजेंस ज़रूर बनाएं, क्योंकि बायर जैसी आपका एडवर्टीजमेंट देखेगा वो तुरंत आपको कॉल करेगा। ये तो बात रही सोशल मीडिया प्रेजेंस की। आप गूगल को गूगल एडवर्ड के माध्यम से भी पेमेंट देकर एडवर्टाइज कर सकते हैं। सिर्फ 200-300-500 रुपए पर डे के हिसाब से भी आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं, जहां से लार्ज नंबर ऑफ लीड आपके पास जनरेट होने वाली होती हैं। इसके अलावा आपने अपनी कंपनी की जो वेबसाइट डेवलप की है, उस वेबसाइट का SEO करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें। SEO करने के साथ साथ कंटेंट मार्केटिंग करें, क्योंकि गूगल के लिए बड़ा यूनिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कंटेंट मार्केटिंग है। तो आपका कंटेंट अगर बेहतर होगा, आपके इमेजेस और वीडियोस बेहतर होगी, आप बेहतर इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को देंगे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो सबसे पहले वो आपको ही कॉन्टैक्ट करेगा। इसके अलावा आप यूट्यूब के थ्रू वीडियो मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और वीडियो मार्केटिंग के लिए आप यूट्यूब को पेड प्रमोशन के थ्रू अपने लीड को जनरेट कर सकते हैं, या बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके भी आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टॉयज बनाते हैं, आपका बच्चों से रिलेटेड, किड्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे यूट्यूबर्स जो बच्चों की वीडियोस में डील करते हैं या उनको इन्फ्लुएंस करते हैं या उनके लिए कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, डांस वीडियो बनाते हैं, एनिमेशन वीडियोस बनाते हैं, वो आपके लिए राइट यूट्यूबर्स हैं जिनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप B2B प्रोडक्ट बनाते हैं, आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बिजनेस ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, या वो लोग जो कॉर्पोरेट्स में डील करते हैं। अगर आप टेक्निकल प्रोडक्ट बनाते हैं तो टेक्निकल टेक चैनल भी बहुत सारे हमारे यूट्यूब पर हैं, उस तरह के आप यूट्यूबर्स को कॉन्टैक्ट करके एक अच्छा कॉन्टेंट डिज़ाइन करा के उनके द्वारा जो ऑडियंस हैं, उनकी जो ऑडियंस हैं, उनको इन्फ्लुएंस करके अपनी नंबर ऑफ लीड्स इनकमिंग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए एक सुविधा और कर देता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित मेरे बहुत सारे वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स होते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देता हूं जहां पर एक फ्री वेबिनार दिया हुआ है। उस फ्री वेबिनार को आप ज़रूर अटेंड करें, जिससे आपको मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पूरा ज्ञान हो जाएगा, और वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जब आप अपने बिजनेस में लगाएंगे तो बहुत अच्छी लीड आपके पास जनरेट होंगी। तो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ, HIV पॉजिटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी जिसका तोड़ आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं होगा। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है और आप सारी स्ट्रेटेजीज में कोई भी चीज़ सीखना या समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और एक बात और, अगर आप सीरियसली इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं ना, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वो सारे वीडियोज़ एक एक करके ज़रूर देख लें। और ये ना एक बिजनेस चैनल है, इस बिजनेस चैनल पर बिजनेस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, सारी वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए। और अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।